हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कि गॉड भगवान आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी करेंगे और इसको लेकर ये रीडिंग है। और यहाँ आपके पास दो चॉइसेस हैं, फर्स्ट चक्र एंड सेकंड चक्र। आपको इनमें से एक कार्ड चुनना है और उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान गॉड आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। जिन्होंने फर्स्ट चक्र को चुना है उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। फोर कार्ड्स लेंगे हम टैरो डेक से और देखते हैं कि गॉड आपकी कौन सी इच्छा गॉड आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी करेंगे। ये कार्ड्स आए हैं जिन्होंने फर्स्ट चक्र को चुना है उनके लिए। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट देखें टैरो डेक से कार्ड्स आपके लिए, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, जैसे आप सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर, आर्किटेक्टर हैं, यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं आप, तो आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ने वाली है और आप बहुत ग्रो करने वाले हैं अगर आपका वर्क इन फील्ड से जुड़ा है। और अगर इन फील्ड से नहीं भी जुड़ा है तो आपको किसी तरह से लीडरशिप ऑफर हो सकती है, कोई बहुत अच्छा जॉब लग सकता है क्रिएटिव फील्ड में, या आप ऐसा कोई वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। काफी नेम और फेम आपके लिए आ रहा है इस तरह का लग रहा है। और कोई पर्सन आपके लिए आ रहे हैं जो किंग ऑफ कप्स यहाँ बता रहा है कि कोई आपको बहुत सारा प्यार, इमोशंस और एक न्यू फ्रेंडशिप या लव ऑफर आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, यानी कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के आप हो सकते हैं। और अगेन वही चीज दिख रही है, आपकी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग रहने वाली है। बहुत अच्छा आप बोल पाएंगे, अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर पाएंगे। और लीडरशिप आपके लिए डेफिनेटली आ रही है क्योंकि दो किंग्स एक साथ आए हैं और काफी लोग आपकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे, काफी रिस्पेक्ट आपका बढ़ने वाला है। और बहुत लोगों के लिए एक अच्छा जॉब ऑफर भी आ रहा है। और अगर किसी से बात रुकी हुई है या बात करना चाह रहे हैं तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है क्योंकि सोर्स एनर्जी इसी तरह की एनर्जी मानी जाती है। और यहाँ आपके लिए ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी तरह के दबाव में नहीं रहने वाले, जो भी आपकी प्रेशर है उसको आप काफी हद तक रिलीज करेंगे अपने आप से। और काफी आप फेयर माइंडेड रहने वाले हैं और बहुत लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इस तरह का आपके लिए आ रहा है। और काफी रिस्पेक्टिव आपको माना जाएगा आने वाले टाइमिंग में। इस तरह की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है और द फुल एनर्जी में भी आप रहेंगे। जहां वर्क में काफी आप अपना 100% देंगे, वहीं आप दिल से भी जीने वाले हैं। काफी एडवेंचर्स करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे, काफी घूमना फिरना, एंजॉयमेंट और नए जगह को एक्सप्लोर करना, बहुत सारे न्यू एडवेंचर्स और बहुत सारी फन एक्टिविटीज में आप पार्ट लेंगे, इस तरह का आपके लिए लग रहा है। दिल से ज्यादा जीने वाले हैं और बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं और कह सकते हैं अपनी एक अपने इनर चाइल्ड को हील करने वाले हैं। और साथ ही में आप बहुत डिवाइनली गाइडेड रहेंगे, आपके कर्म बहुत अच्छे रहेंगे, इसीलिए आपका टाइमिंग जो है वो बहुत खुशनुमा रहने वाला है। या कहें कि बहुत सारे ऐसे मौके आ सकते हैं जब आप फन एक्टिविटीज में पार्ट करें। काफी लाइट हार्टेड एनर्जी मानी जाती है, फूल तो काफी दिल से जीने वाले हैं, जिंदा दिल होकर जी पाएंगे, खुलकर जी पाएंगे, इस तरह का टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। टावर कार्ड आया है तो आप में से कुछ लोगों ने अभी किसी ब्रेकअप को देखा है, या आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, या अगर ऐसा नहीं भी है तो काफी ग्रह कलेश या काफी प्रॉब्लम्स अभी तक आप फेस कर रहे थे लाइफ में और ये प्रॉब्लम्स किसी के भी साथ हुए हो सकते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या आपके लव वन हो, तो उनसे थोड़ा सा मन मुटाव जैसा अभी तक रहा है। कोई टावर मूवमेंट आपने अभी रिसेंटली फेस किया है और आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए होगा। और यहाँ आपके लिए कार्ड आया है फाइव ऑफ वांड्स का। तो कोई कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं तो उसे आप विन कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ से, अपने डिटरमिनेशन से और अपने एफर्ट से, इस तरह का भी आपके लिए लग रहा है। और यहाँ जस्टिस कार्ड भी आया है तो किसी सेक्टर में आपको अगर इनजस्टिस देखने को मिल रहा था तो वहां भी आपके लिए जस्टिस आ रहा है, यानी न्याय होगा आपके साथ और कॉम्पिटिशन आप जीतेंगे, इस तरह का भी आपके लिए लग रहा है। और सब लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में अगर आप किसी पर्सन को अप्रोच करना चाह रहे हैं, उनके अराउंड काफी लोग हैं तो वो कॉम्पिटिशन आप जीत सकते हैं, या इन जनरल भी किसी जॉब या किसी कॉम्पिटिशन को आप फाइट कर पाएंगे अपनी हिम्मत से, इस तरह का आपके लिए लग रहा है। और
डिसिट का कार्ड आया है, बॉटम डेक से एनर्जी ओरेकल डेक से। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके सामने नहीं आते हैं पर पीछे से बहुत कुछ आपके लिए गलत प्लान करते हैं, तो वो लोग रिवील हो सकते हैं और छुपे हुए गलत लोग आपके सामने आए। इसकी काफी पॉसिबिलिटीज लग रही है कि किन पे आपको भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह के आपके लिए आ रहा है। तो आपके सामने लोगों की सच्चाई भी सामने आने वाली है कुछ लोगों की। 25 नंबर है, 2+5 7 होता है और ये आपके लिए इसलिए हो पाएगा क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। जो लोग दोहरे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दोहरे लोगों की सच्चाई आपके सामने आए आने वाले टाइमिंग में, और यही आपके लिए आ रहा है गॉड की तरफ से मैसेज। और यहाँ आपके लिए ये हो सकता है कि अब बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है और ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप कोई जॉब वगैरह देख रहे हैं, पैसा अगर आप अर्न करना चाह रहे हैं या किसी तरह का पैसा आपके लिए अटका हुआ है तो वो भी आपके लिए आता हुआ दिख रहा है क्योंकि अबंडेंस रहेगा, काफी प्रचुरता रहेगी आपकी लाइफ में, फुलफिल रहेंगे, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे मनी सोर्सेस आपके लिए खुल रहे हैं, कोई जॉब ऑफर आ सकता है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, काफी अबंडेंस आपके लिए आने वाली है। और नेक्स्ट कार्ड आया है मैन होल्डिंग ए कॉइन। तो जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं उनके लिए न्यू फ्रेंडशिप या प्रपोजल, लव प्रपोजल आ सकता है इस तरह के पर्सन से जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के लोगों से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है और ये पर्सन काफी खूबसूरत होने वाले हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए ये होगा और इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होगी, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा और वहीं ये फाइनेंशियली काफी इंडिपेंडेंट पर्सन होने वाले हैं। और स्ट्रेटर्जी आपके लिए ऐसा है कि आप जो भी स्ट्रेटर्जी बना रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं वो आपके लिए सक्सेसफुल होगी, उसमें डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी, जो भी आपके प्लान्स हैं वो आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और स्ट्रेंथ कार्ड आया है तो टावर को यहाँ क्लेरिफाई कर रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अगर आपने किसी ब्रेकअप को देखा है, उससे आप ओवरकम करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। आपके अंदर काफी हिम्मत आएगी, बहुत कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ रहेगा, इस तरह का भी आपके लिए लग रहा है और ये सब एंजल ब्लेसिंग से आपके लिए हो पाएगा। तो आप हीलिंग की तरफ जा पाएंगे, स्ट्रेंथफुल बन पाएंगे, काफी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा, हेल्थ भी बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। अगर हेल्थ इश्यूज देख रहे थे आप अभी तक, तो ये भी आपके लिए आ रहा है। तो हेल्थ इम्प्रूव होगी, कोई नई फ्रेंडशिप या प्रपोजल आपके लिए आ रहा है और आपके सोचे हुए प्लान्स आपके लिए पूरे होते हुए दिख रहे हैं। नया जॉब ऑफर आ रहा है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट फाइव वाले के लिए हम देखते हैं, जिन्होंने चूज किया था सेकंड चक्र उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूं। जी, ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर टैरो डेक से देखें हम, जिन्होंने सेकंड चक्र चूज किया है उनके लिए टू ऑफ वॉन्स का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी बड़े डिसीजन को लेना चाहते हैं या तो किसी एक पर्सन को चुनना चाहते हैं, दो में से एक को, या ये भी हो सकता है कि आप में से काफी लोग कंफ्यूज हैं दो प्रोफेशन को लेकर, कि किसे चूज करें किसे ना करें, इस तरह की कोई उलझन आपके दिमाग में है। तो आप जो भी चुनेंगे वो बिल्कुल सही रास्ता होगा। अगर आप किसी चीज को चुनने में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो दो में से किसे चुने, किसे रिजेक्ट करें, इस तरह की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप सही चुनाव कर पाएंगे, इस तरह का आपके लिए आ रहा है और यही ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही होगा, चाहे वो पर्सन को लेकर हो या किसी प्रोफेशन को लेकर हो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द सन का। तो आप सन की तरह काफी ब्राइट और सनी रहने वाले हैं। कोई बड़ा गवर्नमेंट जॉब आपके लिए आ रहा है और कुछ लोगों का बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, या आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी आपके लिए आती हुई दिख रही है, क्योंकि सन कार्ड गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है, या आपको बहुत बड़ी जॉब लग सकती है, इस तरह का आपके लिए आ रहा है। और ये गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, इसके काफी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, इस तरह का भी लग रहा है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए बेबी बर्थ का गुड न्यूज भी आ सकता है, जो कपल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं बेबी बर्थ का गुड न्यूज, उनके लिए ये भी आ सकती है खुशखबरी। और लवर्स कार्ड आया है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। तो एक स्ट्रांग रोमांटिक लविंग केयरिंग और खूबसूरत पर्सन आपके लिए आ रहे हैं और ये बहुत ही कह सकते हैं सॉल लेवल का इंटेंस कनेक्शन होने वाला है। काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल नहीं रहेंगे और आपके मैरिज पार्टनर या सॉलमेट या ट्विन फ्लेम आपसे मिले, इसकी काफी पॉसिबिलिटीज लग रही है। और अगर आप ऑलरेडी हैं कनेक्शन में तो
काफी लवी डवी मोमेंट्स आपके बीच में आ सकती है और आ सकते हैं, और काफी आपका मिलना जुलना और काफी कह सकते हैं बातें मुलाकातें आप लोगों की हो सकती है इस तरह का आपके लिए लग रहा है। और एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, तो काफी आपके लिए ब्लेसिंग भरा समय रहेगा। बहुत अच्छा टाइमिंग आप लोग अपने लिए देखेंगे जो मैरिड कपल्स हैं या रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो इस तरह के पर्सन आपसे मिल सकते हैं इस तरह का आपके लिए लग रहा है। और किंग ऑफ कप्स आपके लिए भी है, तो अगर आप ऐसा कोई वर्क करते हैं जो सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, या आप ऐसा कुछ करते हैं जैसे यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, या कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो वहाँ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। काफी पावर पोजीशन में आप रहने वाले हैं, काफी स्किल्स आपकी बढ़ने वाली है, काफी रचनात्मकता, सृजनात्मकता आपकी बढ़ेगी, काफी आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, काफी ब्यूटीफुल लगेंगे, आपकी प्रेजेंस काफी लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है, और कोई आपको अपना प्यार इमोशंस दिखाए, लव ऑफर आ सकता है, क्योंकि कप्स यहाँ ऑफर हो रहा है, तो किसी का प्यार आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, कोई सीक्रेटली शायद आपको चाहता है और वो आपको अब रिवील हो इस टाइमिंग में बहुत जल्द, ऐसा भी आपके लिए लग रहा है। और यहाँ कार्ड आया है स्ट्रेटर्जी का, तो जो भी आपने स्ट्रेटर्जी बनाई है, जो भी प्लान्स बनाए हैं, जिस भी चीज को आप पूरा करना चाह रहे हैं वो आपके लिए पूरा हो पाएगा, और ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों ने स्टडीज के लिए प्लान बनाए हैं, या कुछ लोगों ने जॉब के लिए प्लान बनाए हैं, या जो भी आपका प्लान है वो बहुत अच्छे से पूरा हो पाएगा। और यहाँ एंजल ब्लेसिंग भी है, क्योंकि यहाँ आप ये देख रहे हैं फेदर, तो जो आप काम करना चाह रहे हैं वो आपका काम, कोई बड़ा काम बन सकता है, और इस तरह का आपके लिए लग रहा है। और यहाँ केयरिंग कनेक्शन डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके लिए, कोई रोमांटिक लविंग केयरिंग कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और जो लोग कनेक्शन में हैं उनके लिए बहुत अच्छा बैलेंस टाइमिंग रहेगा। अगर कुछ गलत हुआ था तो वो ठीक हो सकता है, और एक अच्छा और खूबसूरत रिश्ता आपके लिए आ सकता है मैरिज के लिए, या बहुत लोगों के लिए इन जनरल भी कोई खूबसूरत और लविंग केयरिंग पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं, जो आपकी बहुत केयर करेंगे, बहुत अच्छा आपको उनसे ट्रीटमेंट मिलेगा। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन काफी समझने वाले हैं, आपकी केयर करने वाले हैं, काफी अच्छे खूबसूरत लम्हे आप लोगों के बीच में आएंगे इस तरह का आपके लिए लग रहा है। तो ब्लेस्ड टाइमिंग रहने वाला है, आने वाला टाइमिंग आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स ला रहा है, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं या मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। और यहाँ मैन होल्डिंग ए हार्ट एनर्जी के पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो काफी रोमांटिक हैं और काफी खूबसूरत होंगे, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए ऐसा लग रहा है, और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एक दूसरे से आपका रहने वाला है, और ये पर्सन आपसे जुड़े हैं इसके काफी चांसेस लग रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए एक रोमांटिक कनेक्शन या एक कह सकते हैं एक न्यू फ्रेंडशिप आपके लिए डेफिनेटली आ रही है, या एक मैरिज प्रपोजल स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है, और ये पर्सन काफी लविंग होंगे और बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए भी आया है डिसिट का, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके सामने जैसे बनते हैं वैसे नहीं है, यानी वो आपके सपोर्टिव नहीं है, और वो शो करते हैं कि वो आपके सपोर्टिव पर्सन हैं, और जैसा वो दिखाते हैं वैसे वो है नहीं, तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है आने वाले टाइमिंग में। तो झूठे लोगों का आप रिवील होता हुआ देखेंगे अपने सामने, यानी कुछ लोगों की चालाकी, झूठ या धोखेबाजी जो है वो आपके सामने आएगी, कि कौन लोग पीछे से आपके लिए गलत कर रहे थे, और ये सब आपके लिए एंजल ब्लेसिंग से हो रहा है, क्योंकि 25 नंबर है, 2+5=7 होता है, तो आप डिवाइनली काफी गाइडेड हैं, इसीलिए कुछ लोगों की सच्चाई आपको स्पिरिट बताएगा, यूनिवर्स बताएंगे, गॉड आपके सामने किसी पर्सन की सच्चाई सामने लाने वाले हैं, और वो आपके लिए फायदेमंद होगी, और ये ब्लेसिंग भी आपके लिए आ रही है, और ये इच्छा भी आपकी पूरी होगी। द स्टार का कार्ड आया है, तो स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स भी आया था, तो काफी स्टार जैसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आने वाला टाइमिंग आपको काफी नेम फेम दिलवाए, या काफी लोग आपकी ब्यूटी की अप्रिसिएशन करें, आपको काफी खूबसूरत माना जाएगा, स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, और काफी लोगों की नजर में आप आने वाले हैं, काफी बड़ा नाम और प्रसिद्धि आपके लिए आ रही है इस तरह का आपके लिए लग रहा है, और ये आपके हार्डवर्क से पॉसिबल हो पाएगा। और एक्वेरियस एनर्जी को भी बताता है स्टार कार्ड, तो किसी कुंभ राशि के पर्सन से आप जुड़े हैं इसके काफी पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो आप लोगों के लिए ही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।